हेलो फ्रेंड्स, इस सेशन में अब मैं आपको ये बताऊंगा कि लैब एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में और उसके कंटेंट के बारे में कि लैब एडमिनिस्ट्रेटर की में डिफिनेशंस को कैसे डाउनलोड करेंगे और उनकी क्या क्या सेटिंग्स होती है। उसके लिए आपको एडमिनिस्ट्रेशन में जाना होगा, सर्वर में। सर्वर में जाने के बाद आपको एडिट साइट प्रॉपर्टीज पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे लाइव अपडेट सेक्शन में चले जाएंगे, टैब में। यह है लाइव अपडेट सेटिंग। अब यहाँ पे ऑप्शन है कि आपका जो लाइव अपडेट है और जहाँ से डिफिनेशन डाउनलोड होगा वो कहाँ से डाउनलोड होगा, तो ये ऑप्शन है डिफ़ॉल्ट सिमेंटिक लाइव अपडेट सर्वर। तो यूज़ द डिफॉल्ट सिमेंटिक लाइव अपडेट सर्वर। बाई डिफॉल्ट ये सिमेंटिक के ऑफिशियल वेबसाइट के से डिफिनेशन डाउनलोड करेगा, या आपने खुद अलग एक सेपरेट सिमेंटिक लाइव एडमिनिस्ट्रेटर सर्वर बना रखा है तो आप यहाँ पे एक डिफाइन कर सकते हैं। उसकी आईपी एड्रेस वगैरह, यूआरएल और यूजर नेम और पासवर्ड सेट कर देंगे तो आपके लोकल इंटरनल लाइव अपडेट एडमिनिस्ट्रेटर सर्वर से डाउनलोड करेगा। तो इसको हम बाय डिफॉल्ट सिमेंटिक लाइव अपडेट सर्वर से रखते हैं। ओके, डिस्क स्पेस मैनेजमेंट फॉर डाउनलोड। सिमेंटिक के साइट पे कंटिन्यूसली नए नए रिविजन्स अपडेट होते रहते हैं, नए डिफिनेशंस होते रहते हैं। तो ये ऑप्शन है कि मतलब कि आप कितने रिविजन्स रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे वाइट पर 21 है, आप कम भी ज़्यादा कर सकते हैं। और कितने देर के बाद वो अपडेट डिफिनेशन ट्राई करता रहेगा, तो इसमें सेट है कि बाय डिफ़ॉल्ट एवरी 4 ईयर। तो ये एडमिनिस्ट्रेटर, लाइव एडमिनिस्ट्रेटर, आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। एवरी 4 ईयर, 4 आवर, डेली, वीकली या पर्टिकुलर टाइम पे आप इसको सेट करना चाहते हैं, और रिट्राई इंटरवल 15 मिनट। तो ये आप शेड्यूल कर सकते हैं कि कब कब और कितने देर में वो लाइव अपडेट डाउनलोड करेगा। और यहाँ पे है कि जो डिफिनेशंस है किस किस प्लेटफॉर्म के लिए डाउनलोड करेगा। तो यहाँ पे दो प्लेट है, मैक और विंडोज़ 32 और 64। तो आप उस हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट में अगर मैक ओएस है तो आप सेलेक्ट करें, अदरवाइज इसको अनसेलेक्ट कर दें। विंडोज़ 32 और 64 बिट। तो ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के लिए होता है कि क्या क्या किस प्लेटफॉर्म के लिए डिफिनेशन डाउनलोड हो। और कंटेंट टाइप, यहाँ पे कंटेंट टाइप है काफ़ी डिफिनेशन, क्लाइंट, प्रोडक्ट, अपडेट्स, रिले, पैचेज, वायरस, स्पायवेयर, डिफिनेशंस, वोनर, तो काफ़ी इसमें कंटेंट है। तो आप इसमें या तो सभी सेलेक्टेड रहें या आप पर्टिकुलर को सेलेक्ट कर सकते हैं या अनसेलेक्ट कर सकते हैं कि डाउनलोड करने के लिए। यह कंटेंट टू डाउनलोड फॉर क्लाइंट टाइप, स्टैंडर्ड या एम्बेडेड क्लाइंट, रिड्यूस्ड साइज कंटेंट, डार्क नेटवर्क क्लाइंट, स्टैंडर्ड साइज। तो ये बाय डिफॉल्ट ठीक है। और लैंग्वेज, तो अगर आपका लैंग्वेज इंग्लिश या इंग्लिश के अलग है तो आप पर्टिकुलर उस लैंग्वेज को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी लैंग्वेज की डिफिनेशन दिए हुए हैं, लैंग्वेज दिए हुए हैं, तो आप उनको फ्रेंच, जर्मन या जो भी है सेलेक्ट कर सकते हैं। और ओके, और यहाँ से डाउनलोड लाइव कंटेंट, सो द लाइव कंटेंट स्टेटस, सो लाइव अपडेट डाउनलोड्स। तो यहाँ से अगर आपको मैन्युअली कंटेंट को डाउनलोड करना है तो यहाँ से डाउनलोड लाइव अपडेट कंटेंट क्लिक करेंगे तो ये जो सेटिंग है वो दिखाया है कि S0 माई साइट के लिए डिफॉल्ट मेन्यू सर्वर से, मैक, विंडो 32, 64 के लिए, और ये कंटेंट और डाउनलोड।
कंटेंट जो है इंटरनेट से डाउनलोड स्टार्ट हो गया है और इसको आप क्लोज कर देंगे तो बैकग्राउंड में डाउनलोडिंग स्टेटस चलता रहेगा। और यहाँ पर देखिए आपको लॉग आने लगा कि डाउनलोडिंग के लिए, इसको क्लोज कर देते हैं। शो द लाइव अपडेट स्टेटस यहाँ से देख सकते हैं, तो वही विंडो है जहाँ पे ये जहाँ पे मैंने क्लियर किया था डाउनलोड करने के लिए, तो डाउनलोड स्टार्ट हो गया है। तो ये कंटेंट डाउनलोडिंग ये बैकग्राउंड में चलता रहेगा। सो लाइव अपडेट डाउनलोड्स, तो ये जो अभी जस्ट रिसेंट में जो डाउनलोड हुए होंगे तो ये दिखा रहा है कि एपी पोर्टल लिस्ट 12.1 RU5 से रिविजन्स दिस डाउनलोड टाइम 70। तो ये जब जब लेटेस्ट के जो भी डिफिनेशन अपडेट होते हैं तो उनके डेट एंड टाइम और कौन कौन से कंटेंट डाउनलोड हुए ये आप यहाँ से देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड में आपका वो कंटेंट डाउनलोडिंग चल रहा है। और विदाउट सर्वर को लॉगिन किए हुए ही इस सेमेंटिक इंप्लीमेंटेशन मैनेजर को बिना लॉगिन किए भी आप कंटेंट डाउनलोड कर सकते हैं। वो आप उसको डाउनलोड करने के लिए सर स्टार्ट पे रन पे जाएंगे और यहाँ पे ELUALL.exe करके ओके करेंगे तो ये मैन्युअली आपका कंटेंट बाहर से ही कंटेंट अब डाउनलोड करना शुरू कर देगा। तो दोनों ऑप्शन हैं, आप या तो सर्वर को लॉगिन करके आप वहाँ से डाउनलोडिंग लगा सकते हैं या तो आप विंडोज के रन कमांड से ये LUALL.exe रन कमांड चला सकते हैं। और अगर आपने शेड्यूल कर रखा है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है, वो उस शेड्यूल पर्टिकुलर शेड्यूल पे वो कंटेंट को डाउनलोड करता रहेगा। तो इस तरह लाइव अपडेट की सेटिंग कर सकते हैं।